हर चीज को ये मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो ये मतलब हाव भाव से पता लगा लेता कि ये आदमी कैसा है अपने लिए, ये लड़का। हाँ ये अच्छा अच्छा। अभी जैसे हमको बाहर जाना है घर से, अच्छा, तो हमारे हाव भाव से इसको पता लग जाएगा कि ये लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो ये हमारे साथ होने के लिए पहले से ही थे। हम बोलेंगे इसको कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे, यही है। हाँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो अपना ध्यान जो है अपने से हटा लेगा ये, लेकिन इसका ध्यान तो वहीं रहेगा, लेकिन अपनी नजरों में इसका ध्यान नहीं है उस जगह पे, और ये तैयार हो जाएगा। और ये इसको इसका दिमाग एक ही जगह है कि ये जाने वाले हैं बस, लेकिन अपन को ना अपन उसकी तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसको ये ध्यान नहीं दे रहा है, भाई अपन जाने वाले हैं नहीं जाने वाले, लेकिन इसका पूरा दिमाग वहीं पे है। और ये क्या क्या चीज में खराब है, दूसरी जगह दे रहा है। आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद कितने वर्षों से सीखा है आपने ये विद्या? ये अभी जो कर रहा है ना, ये कितने टाइम से सीखा है तुमने? 3 महीने हो कितने? 3 महीने 3 महीने हो गए। अच्छा हो गया, अभी तू एकदम पढ़ सकता है बहुत बढ़िया से। अभी एक्सरसाइज चालू है इसकी। एक्सरसाइज चालू है। हाँ। अभी तेरे को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो गोविंद, कैसे हो? हेलो गोविंद चाचा। पिताजी का क्या नाम है? वेरी गुड। तू वहाँ चला जा, तो आगे चला जा। हेलो गोविंद कैसे हो? हेलो गोविंद कैसे हो? आगे नीचे चला जा, नीचे चला जा, नीचे जा, आगे जा, शब्द सीखने पड़ेंगे इसको। हाँ हाँ गोविंद, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ गोविंद, वापिस आओ, वापिस आ जाओ, आ जाओ। हाँ वहाँ बैठ जाओ पापा के पास में। हाँ सर, जैसे आपने इसको एक बार फिर से, ये जो पुस्तक है ये स्त्री की फोटो है, इसको हमने दिखाया नहीं है, वो आँख भी चलाओ, आँख भी चाओ और इसको लिखाओ, दिखाना है, बात करते हैं। हाँ इसको दो, आँख भी छो। हाँ, और ये यदि इसको पहचान लेता है आँख बीच करके, तो बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग हुई है या साधना है। अलग अलग है वैसे, इसके सामने अभी तक नहीं आए थे ये। हाँ। इसके हाथ में देखे, ये बताएगा ये पैसे सब क्या है क्या नहीं, कितने पैसे सब बता देगा ये गोविंद। हाँ ये क्या है, किसकी फोटो है? हाँ कौन है? लड़की की फोटो है। कितने पैसे हैं? आँख मीच करके और बिना देखे हुए बता रहा है सुन करके कि कितने रुपये हैं। कितने पैसे होते हैं? 421 रुपये। वेरी गुड। 480 रुपये। 480 रुपये बहुत बढ़िया। 480 रुपये। सर ये कितने वर्ष का लड़का है आपका? 14 वर्ष का है। अच्छा, इसको आप यहाँ पर क्यों लेके आए थे? इसको ये सुनाई नहीं देता है इसकी वजह से। वेरी गुड। आज आपकी ट्रीटमेंट हुई है, दोनों कान की दवाई डाली गई है, सुनाई देने की ट्रेनिंग हुई है, आपका क्या अनुभव है? अभी इसको थोड़ा बहुत तो अब सुनाई दी, तो उस समय क्या हुआ था, क्यों सुनाई नहीं दी? जान कहीं दूसरी जगह था, है खाना नहीं खाया अभी? खाना खिलाएं तेरे को, नाश्ता करवाएं, बढ़िया करवाते हैं, ठीक है। कैसा लगा यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा के? सुनने में अच्छा है, बढ़िया सुन लेता है, समझ लेता है, तो बहुत बढ़िया होनहार बच्चा है यार। जब तक शब्द रचना नहीं सीखेगा, शब्द नहीं समझेगा, सुनेगा नहीं, सुनी हुई चीज़ को सुन के जवाब देने का मतलब सुनना है, हर चीज़ उसको सामने करनी पड़ेगी, तभी परीक्षा करिएगा, पीछे से परीक्षा कभी मत करिएगा। ये थर्ड सेंस में नहीं आता सुनना, सुनना रियल सुनने कान के साथ में आएगा, कान में शब्द गए, सुनने के बाद में मेडुला में गए, चेतातंतु में गए, मेमोरी में गए, मेमोरी में याद रहेगा, मेमोरी फिर उसको जवाब देगी, तब वोकल बोलेगा, तब सुनना होता है। इतने सारी प्रोसेस इसको सीखनी है, समझ गए? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश कामदार है। कामदार जी बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख करके, मिल करके भी, आपने रक्त पैदा किया है और आपसे तो बहुत अच्छा लगा ही था, आप आके गए हैं, हमारी परीक्षा करके गए हैं, धन्यवाद। अच्छा सर एक बताऊँ बात को, इसके समय समय पर वीडियो भिजवाइएगा, बिल्कुल भिजवाइए पक्का। हाँ और लेके भी आइएगा,
हमारे लिए कुछ सेवा हो तो बताइएगा।